राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम दिनों में अमेरिका ने एक बार फिर से हिंसा का रूप देखा है। इस बार वॉशिंगटन स्थित कैपिटल हिल में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया। जब भारत में देर रात का वक्त था, उस वक्त हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थक हथियारों के साथ कैपिटल हिल में घुस गए, जहां तोड़फोड़ की, सीनेटरों को बाहर किया और कब्जा कर लिया। हालांकि लंबे संघर्ष के बाद सुरक्षा बलों ने इन्हें बाहर निकाला और कैपिटल हिल को सुरक्षित किया। वॉशिंगटन की हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। दरअसल कैपिटल हिल में इलेक्टोरल कॉलेज की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके तहत जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर मोहर की तैयारी थी। इसी दौरान हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थकों ने वॉशिंगटन में मार्च निकाला और कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया। यहां डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में बनाए रखने, दोबारा वोटों की गिनती करवाने की मांग की जा रही थी। कैपिटल हिल में चल रही कार्यवाही से इतर जब ट्रंप समर्थकों ने अपना मार्च निकालना शुरू किया तो हंगामा होते देख सुरक्षा को बढ़ाया गया, लेकिन ये बवाल थमा नहीं और देखते ही देखते सभी समर्थक कैपिटल हिल की ओर चले गए। सुरक्षा बलों ने इस दौरान उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया। वॉशिंगटन पुलिस के मुताबिक गुरुवार को हुई इस हिंसा में कुल 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक महिला की मौत पुलिस की गोली से हुई है। जब पूरे इलाके को खाली करवाया गया तो ट्रंप समर्थकों के पास बंदूकों के अलावा अन्य खतरनाक चीजें भी मौजूद थी। अमेरिका के वॉशिंगटन में हिंसा के बाद पब्लिक इमरजेंसी लगा दी गई है। वॉशिंगटन के मेयर के मुताबिक इमरजेंसी को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। ट्रंप के समर्थकों ने पहली बार इस तरह के बवाल नहीं किए हैं। इससे पहले भी ऐसे नज़ारे देखे जा चुके हैं, लेकिन कैपिटल हिल में घुसकर इस बार हद को पार कर दिया गया। यही कारण रहा कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इस विवाद की निंदा की है, साथ ही इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है। जो बाइडेन ने कहा कि ट्रंप को तुरंत देश से माफी मांगनी चाहिए, अपने समर्थकों को समझाना चाहिए। हालांकि जब वॉशिंगटन में पूरा वबाल चल रहा था तब डोनाल्ड ट्रंप शांत रहे, लेकिन कुछ वक्त बाद उन्होंने ट्वीट पर एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने समर्थकों से घर वापस जाने की अपील की, लेकिन इस वीडियो में भी वो चुनाव को लेकर फर्जी दावे करते नजर आए, जिसके बाद इस वीडियो को भी हटा दिया गया। जब सुरक्षा बलों ने कैपिटल हिल को ट्रंप समर्थकों के कब्जे से खाली करवा दिया, उसके बाद एक बार फिर आगे की कार्रवाई शुरू हुई। यहां सदन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने इस दूसरे विवाद की निंदा की और कहा कि हिंसा से कभी किसी की जीत नहीं होती। कई देशों ने बताया कि अमेरिकी इतिहास का काला दिन। अमेरिका में इस तरह के बवाल की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैली। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो समेत अन्य कई राष्ट्र प्रमुखों ने इस हिंसा की निंदा की है और अमेरिकी इतिहास के लिए काला दिन करार दिया है। दुनिया भर की मीडिया में अमेरिकी हिंसा की घटना सुर्खियां बटोरे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से होना जरूरी है। बता दें कि वॉशिंगटन में हजारों की संख्या में डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल हिल पर कब्जा करने की कोशिश की, सिडनी में वबाल काटा। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।